हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग J200G के बारे में। कि मेरे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके पूछा है कि आप बताइए कि उसमें जो डिजिटल माइक लगा हुआ होता है और क्या हम उसमें जो है चाइनीज माइक लगा सकते हैं, क्या हम चाइनीज माइक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइक के बारे में कि डिजिटल माइक और जो चाइनीज माइक है, इन दोनों में जो है क्या फ़र्क है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिजिटल माइक जो है आजकल यूज़ हो रहा है और महंगे सेटों में यूज हो रहा है, जो ब्रांडेड कंपनी है उन सभी सेटों में यूज हो रहा है, और चाइनीज माइक जो है उन मोबाइल में यूज़ होता है जो कि सस्ते मोबाइल होते हैं। ठीक है, डिजिटल माइक का जो क्वालिटी होता है, साउंड क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छा होता है, और चाइनीज माइक का जो साउंड क्वालिटी होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। डिजिटल माइक की जो सर्किट होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो अंडरग्राउंड सर्किट होती है, उसमें काफ़ी सारे जो है कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, और चाइनीज माइक जो है बिल्कुल नॉर्मली है, बिल्कुल नॉर्मल तरह से इस माइक को यूज किया गया है। कई दिनों से कई सब्सक्राइबर ने हमें कॉल किया कि सर हमें जो डिजिटल माइक के बारे में बताइए, डिजिटल माइक हम कई जो सैमसंग मोबाइल में लगा चुके हैं और माइक वर्क नहीं करता, माइक काम नहीं करता, और 5-6 माइक हम लगा चुके हैं, और क्या इसमें माइक का फॉल्ट होता है या सर्किट का फॉल्ट होता है, या सर्किट का फॉल्ट होता है तो उस सर्किट के फॉल्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सर्किट का फॉल्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैमसंग J200G का जो माइक सर्किट का जो फॉल्ट होता है उसे आप नॉर्मली तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे, और उसे कैसे चेक करना है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मनन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारे वीडियो की, और आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो है मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास तौर पे आप सभी को दिखाने के लिए, कि ताकि आप लोग समझ सको और सही ढंग से आप काम कर सको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम को देख करके भी आप माइक की जो वायरिंग कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर इसके अंडरग्राउंड सर्किट है और इसका जो अंदर से इसकी जो लाइनिंग अगर जल गई या टूट गई है तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है, उसके बाद कंटिन्यूटी आपको इसको चेक करना है, और यहाँ माइक के पॉइंट से लेकर रेजिस्टेंस तक आपको चेक करना है कि कहीं बीच में इसका जो ट्रैक है वो कटा हुआ तो नहीं है। दोनों ट्रैक आपको चेक करना है सबसे पहले, जब ट्रैक कंप्लीट आपको बता देगा कि ट्रैक सही है तो उसके बाद आप माइक लगा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माइक लगाने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, और क्योंकि नॉर्मल आदमी इस माइक को नहीं लगा सकता। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये माइक जो है जरा सा भी जो है हीट बर्दाश्त नहीं करता, और ये माइक जो है होटगन की जरा से भी हीट पड़ने पर वो माइक जो है पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इस माइक को लगाने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तभी आप इस माइक को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस माइक को लगाएं, इस डिजिटल माइक को आप जब सैमसंग के किसी भी मोबाइल में जब लगाएं आप, तो आपको माइक को अपने जो है ज़रा से भी हीट नहीं देना है, सिर्फ सर्किट पर आपको हीट देना है, और माइक में हल्का सिर्फ आपको आयरन से सोल्डिंग कर देना है, और सर्किट में आपको हीट देना है। जब सर्किट में जब हमारा जो सोल्डर वो पिघलने लगेगा, उसके बाद हमको माइक जो है ऊपर से चिपका देना है उसमें। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको माइक के पॉइंट पर जो माइक की वॉइस वाला जो वोल्टेज आती है वो सही वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे आप मल्टीमीटर से अगर आप इसे चेक करेंगे तो इसमें आपको वोल्टेज का पता नहीं चल पाएगा कि इसमें वोल्टेज सही आ रही है या नहीं, तो इसका पता आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस मोबाइल को आप डिजिटल माइक लगाना चाहते हैं उस मोबाइल का डिजिटल माइक आप रिमूव कर दें उस मोबाइल से, उसके बाद उसमें आप सिम कार्ड डाल दें उस मोबाइल में, सिम कार्ड डालने के बाद उसमें बैटरी लगा के उस मोबाइल को ऑन करें, और ऑन करने के बाद आप उस मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में फ़ोन लगाएं, और फ़ोन लगाने के बाद जिस मोबाइल में आप फ़ोन लगाएंगे उस मोबाइल का आप लाउडस्पीकर ऑन कर दें, लाउडस्पीकर ऑन कर दें और फ़ोन को रिसीव कर लें, और कॉल के दौरान आपको जिस मोबाइल में आप डिजिटल माइक लगाना चाहते हैं उस मोबाइल के प्रिंट पर आपको
कोई चिमटी या कोई आपको जो है स्क्रू ड्राइवर आपको रखना है स्टील वाला, और जैसे ही आप रखेंगे तो जिस मोबाइल में आप फोन लगाए हैं उस मोबाइल में जो है उसमें हमिंग की आवाज़ आएगी, और जिस पॉइंट पर हमिंग की आवाज़ आएगी तो आप समझ जाइए कि उस पॉइंट में ही जो है उसका प्लस वोल्ट आ रहा है और सही वोल्ट आ रहा है, ऐसी वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है माइक काम करेगा। तो उसके बाद आप अपना डिजिटल माइक लगा सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया। और अगर आप डिजिटल माइक लगाना नहीं चाहते हैं तो उसमें अगर आप चाइनीज़ माइक लगाना चाहते हैं तो चाइनीज़ माइक को आपको कैसे यूज करना है तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर डिजिटल माइक की जगह अगर चाइनीज़ माइक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रेजिस्टेंस आपको आपके बहुत सारे पुराने मोबाइल के जो पुराने बोर्ड्स होंगे उन बोर्ड्स में आपको वो रेजिस्टेंस मिल जाएगी, और उस रेजिस्टेंस का जो नंबर होगा 4.7K होम्स का ये रेजिस्टेंस होगा, और ये 4.7K का रेजिस्टेंस जो है इसे आपको बोर्ड से निकाल लेना है। उसके बाद इस जो डिजिटल माइक के पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको इसे रेजिस्टेंस को आपको लगा देना है। उसके बाद चाइनीज़ माइक का जो ब्लैक वायर होगा, जो ग्राउंड वायर होगा, उस ग्राउंड वायर को आपको यहाँ ग्राउंड पर आपको सोल्डरिंग कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद चाइनीज़ माइक का जो प्लस वायर होगा रेड कलर का, उस रेड कलर के वायर को, प्लस वायर को आपको यहाँ 4.7K होम्स के रेजिस्टेंस के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी ये आप 4.7K का जो होम्स का जो रेजिस्टेंस है इसे जब आप किसी बोर्ड से निकालेंगे तो इसे आप पहले अपने मल्टीमीटर में आपको चेक कर लेना है इस रेजिस्टेंस को, कि ये जो 4.7K का जो वोल्टेज ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जितना ये लिखा है इतना वोल्टेज वो देना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो ये माइक वर्क करेगा। तो इस जब भी आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो आपको रेजिस्टेंस को चेक कर लेना है मल्टीमीटर से, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।